लेके ब्लैक कपड़े पहन के सड़कों पे अभी घूम रहे होंगे, और ताकि आप लोग 2-3 दिन बाद उस केस को फिर से भूल जा सके, ताकि लड़कों को फिर से मौका मिल सके कि वो किसी राह चलती लड़की को पकड़े, उसका रेप करे, फिर उसको पता नहीं क्या कर दे, उसके साथ तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे, लाइक उसको जला देना, उसके मतलब इंटरनल पोर्शंस पे रॉड्स घुसाना। बहुत ही मजा आता हो ना आप लोगों को ये करते हुए। मतलब मैं जो रेपिस्ट हूँ उनको बोल रही हूँ, ऑब्वियसली फॉर मी ऑल मेन आर नॉट सेम। कुछ लड़के जो हैं, जो लड़के या फिर इंसान नहीं रहे, वो हैवान बन चुके हैं। आज वो वीडियो इस बारे में ही है। बट प्रॉब्लम ना लड़कों में नहीं है, बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम अगर लड़कों में होती तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था। बट ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी की वजह से आज लड़कियों का रेप हो रहा है। बिकॉज हमारी सोसाइटी के हिसाब से लड़कियां 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट, बस इतना ही है कि लड़की अगर बाहर निकलेगी तो उसका रेप ही होगा। इसलिए लड़कों को लगता है कि अरे ये तो 9 बजे के बाहर निकली है, इसका मतलब ये चाहती है कि इसका रेप हो, इसलिए ना हमें इसका रेप कर देना चाहिए। और फिर सजा, वो क्या होता है? सजा तो हमें पता ही नहीं है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो तो हमें कोई सजा देगी ही नहीं, और देते देते इतने साल कर देगी कि 100 साल बाद शायद हम लोगों को हमारे किए की सजा मिल रही है। इसलिए इट्स वेरी इजी टू डू रेप इन इंडिया। हाँ, मैंने इंडिया बोला, बिकॉज अदर कंट्रीज में अगर आप रेप करते हो तो आपको सजा भी मिलती है, बट इन आवर कंट्री निर्भया केस के जो मतलब क्या कहते हैं उसे, जो मतलब जिन्होंने ये निर्भया केस क्रिएट किया था, जिन्होंने निर्भया के साथ इतना जुल्म किया था, वो खुला खुले बाहर सांड की तरह घूम रहे हैं। एंड हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बस हाथ पे हाथ धरे देख रही है। बिकॉज आज मेरा मूड इसलिए खराब हुआ, मैंने प्रियंका रेड्डी का केस भी देखा। दैट वॉज वेरी वेरी मतलब इट वॉज हार्ड टू सी दैट बॉडी। ओ माई गॉड, वेन एवर इट फ्लैशेज इन माई माइंड, ओ माई गॉड, इट्स वेरी बैड गाइस। आज मैंने निर्भया की मॉम का जो मतलब निर्भया की मॉम का एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, वो इसी मतलब इसी रिगार्डिंग बोल रही थी कि जो हैदराबाद में हुआ और उनके बेटी का के साथ वो 7 साल पहले हुआ था, और आज 7 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल सेम है, इवन रेट बढ़ चुकी है रेप की। मतलब तब 7 साल पहले जब हम कैंडल्स निकले थे ना, उस दिन से आज तक रेप कम ही नहीं, उस कैंडल्स की वजह से रेप्स कम ही नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। लड़कों को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई कि यार इन लोगों ने किया है, मतलब बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि निर्भया केस के बाद जिन लड़कों ने ये किया था वो एकदम शांत थे, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनके मतलब उनको कोई सजा ही नहीं मिली। इवन मेरे हिसाब से अगर सजा मतलब ऐसी सजा हो जिसे देख के लोगों की रूह कांप जाए कि नहीं, अब अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, वो फीलिंग अगर आई ना, तब कोई रेप नहीं करेगा। ये रीजन क्या है पता है रेप की? कि लड़कों को लगता है कि हम कुछ भी कर ले हमें कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों का जीना बहुत मुश्किल है। गर्ल्स आर नॉट सेफ, द वुमेन इन आवर कंट्री आर नॉट सेफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो हमें हमारे लिमिटेशंस को समझाती है कि हाँ लड़कियां ये सारी चीजें नहीं कर सकती, पर लड़के लड़के सब कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग। ओके, सो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि अगर निर्भया केस जब हुआ था तभी अगर कुछ मतलब हमें पता है आरोपी कौन है, जिन्होंने ये काम किया है वो आरोपी कौन है हमें पता है, अगर उनका उनके साथ कुछ मतलब इतना घटिया इतना दर्दनाक कोई पनिशमेंट उन्हें दिया होता ना, सबके सामने, वो भी बीच चौराहे पे, जैसे उस लड़की को नंगा बीच चौराहे पे उसकी डेड बॉडी छोड़ के चले गए थे वो लोग, वैसे अगर उनके साथ भी किया जाए ना, देन दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेन। बट उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, दे आर फ्री, खुले सांड बन के सड़क पे घूम रहे। बेचारी निर्भया की मॉम आज बोल रही थी कि 7 साल हो चुके हैं, मैं कोर्ट के चक्कर काट काट के थक गई हूँ, बट फिर भी निर्भया को इंसाफ नहीं मिला। निर्भया को इंसाफ नहीं मिला, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी उसकी आत्मा यहीं पे हमारे साथ है और ये सारी रेप्स वो देख रही है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इज दैट?
that is not only painful but shameful as well for our society. हमें कुछ करना चाहिए, हमें नहीं, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ कैंडल्स लेके मार्च कर सकते हैं, जैसे गांधी जी ने हमें वे दिखाया है. ऑब्वियसली अगर हम चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट हमारी गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है. सिर्फ कुछ चीजें बता दो कि ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे लड़की को ये किया है. हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बिकॉज दीज इन्फॉर्मेशन विल डू नथिंग टू अस. हम दो दिन ये सुनेंगे, टीआरपी बढ़ेगी उस चैनल की, उस न्यूज़पेपर हेडिंग की, और कुछ नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें हमारी सोसाइटी को बेटर बनाना है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, गवर्नमेंट का कोई स्टेप लेना. हम क्या कर लेंगे? गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तभी इंडियन वुमेन सेफ होंगी, बिकॉज इंडियन मेन आर फ्री टू डू एवरीथिंग, यू नो, लाइक एनीथिंग. बस उम्मीद है कि यू नो सब एक दिन ठीक हो जाएगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं. आज भी जब मैं ये मतलब ये देख रही थी, ये जो चीज हुई है हैदराबाद में, वहां पे लड़की के साथ क्या हुआ है, मतलब हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि लड़कियां लड़कियों के साथ हर चीज बुरा हो रहा है, बट वहां पे मैंने ये चीज नोटिस की कि लोग हिंदू मुस्लिम की बातें उठा रहे हैं. मतलब इंडिया की ये एक और प्रॉब्लम है कि लोग हिंदू मुस्लिम की बात उठा रहे हैं. जरूर किसी मुस्लिम ने उसे मारा होगा, या फिर जरूर किसी हिंदू ने किया होगा, मुस्लिम ये बोल रहे हैं. बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है. अगर हम चाहे तो इस सोसाइटी को थोड़ा सा सही बस बदल सकते हैं. प्लीज, जब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की सड़क पे ऐसे निकले रात के 9 बजे हो, 12 बजे हो, कभी भी हो, अगर लड़की निकले तो लड़की के माइंड में पहला चीज रेप क्यों आता है? व्हाई इज रेप अ प्रॉब्लम इन इंडिया? बिकॉज उस लड़की को डर नहीं होता कि रेप करने के बाद मेरे साथ क्या होगा. ही नोज दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन समडे. लोग भूल जाएंगे ये सिचुएशन, इट्स वेरी इजी. बट जिस लड़की के साथ वो होता है उसके ऊपर जो पेन होता है ना, लाइक जब रेप करना होता है उनको, वो 2 मिनट में रेप करके निकल जाते हैं लड़की को मार के. बट उनको जब सजा देने की बात आती है ना, 7 साल कम पड़ जाते हैं. जैसे निर्भया केस में हुआ, 7 साल हो चुके हैं बट उसको इंसाफ नहीं मिला. शी इज सीकिंग फॉर जस्टिस आफ्टर हर डेथ एज वेल, बट स्टिल शी इज जस्ट बीन अवेटेड, बट शी इज नॉट गेटिंग द रिजल्ट. शी इज जस्ट देयर वेयर शी वॉज 7 years अगो. प्लीज यार, कुछ तो इंसानियत दिखाओ लड़कियों के साथ. मतलब हम लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज लड़कियों को अगर आजादी नहीं हुई है उस कंट्री का क्या फायदा, जिस कंट्री में लड़कियों को कोई आजादी नहीं है कुछ करने की. आज लड़कियों को कितनी सारी चीजें करने से रोका जाता है, बिकॉज दे थिंक दैट उसके साथ शायद रेप हो जाएगा. बट ड्रेस इज इंट अ मैटर, बिकॉज अगर ड्रेस एक मैटर होता तो एक 7 साल की बच्ची का रेप नहीं हुआ होता, एक 6 महीने की बच्ची का रेप नहीं हुआ होता. उनके साथ क्या ड्रेस? रेप एक बच्ची के साथ हो सकता है, 6 महीने की, एक 7 साल की बच्ची के साथ हो सकता है, एक साड़ी पहनी औरत के साथ हो सकता है, एक बुर्का पहनी औरत के साथ हो सकता है, एक स्कर्ट पहनी औरत के साथ हो सकता है, और एक जीन्स पहनी औरत के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट ड्रेस और जात. हाँ, कभी कभी जात मैटर कर जाती है. लाइक आई हैव स्टडीड वन केस जहाँ पे एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का रेप इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू थी. इसलिए इंडिया में रिलीजियन मैटर्स, आई अंडरस्टैंड दैट. सो प्लीज आप लोग इस रिलीजियन और इस कपड़ों के भेद को भूल जाइए, तब देखिएगा लड़कियां कितनी मासूम होती है. उनके साथ जो ये हुआ है ना, फिर आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मैं कुछ बोल पाऊंगी, बिकॉज यू नो एक इंसान को कितना भी कुछ भी समझा लो, अगर उसको कुछ करना होता है ना वो करके ही रहता है. मेरी उम्मीद है बस गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है.
किसी दिन गवर्नमेंट को अगर मेरी बातें समझ में आ गई तो शायद कुछ हो सकता है, शायद हमारी कंट्री थोड़ी बेटर हो सकती है। मैं यहीं पे अपनी बातें स्टॉप कर रही हूँ, ये वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ, बट कहीं पे ये उम्मीद है कि शायद किसी दिन लड़कियां सेफ होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ।